मैजिकल मनी ट्री एंड मैजिकल काओ। उस गांव का नाम गंगीपुर था। वहां पर एक गाय आ गई और गांव में घूमने लगी। उस गांव में दो चरवाहे रहते थे, एक का नाम वीर। वीर गरीब था लेकिन जानवरों से प्यार करता। वो अपने जानवरों को खुद घास डालता, उनको बहुत प्यार से रखता। और दूसरे चरवाहे का नाम राज। राज बहुत चालाक और लालची था। वो किसी की बात नहीं मानता। राज ने अपनी चालाकी से एक बड़ा घर भी बना लिया और वीर अभी भी अपने छोटे से घर में रहता है। वो गाय गांव के एक चौपाल के साथ आकर गिर गई। जब भी कोई इंसान उस चौपाल के करीब से गुजरता तो वो गाय आवाज निकालती, मगर कोई नहीं रुकता। जब राज वहां से उस चौपाल के करीब से गुजर रहा था तो वो गाय आवाज लगाने लगी। तो राज बोला, अरे अब तुम्हारी मदद क्यों करूं भला, मरती हो तो मर जाओ, वैसे भी तुम मरने वाली हो, मुझे कौन सा फायदा दोगी, मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं। वो ये कहकर वहां से चला गया। उसी दिन वीर का बेटा खेलते खेलते गिर गया। उसे वो हॉस्पिटल ले गया तो डॉक्टर बोला, इसके इलाज में 10 लाख लगेंगे, जल्द से जल्द 10 लाख का इंतजाम करो, वरना बच्चे की जान जा सकती है। वीर दुखी होकर जा रहा था तो रास्ते में उस चौपाल के साथ गिरी हुई वो गाय दिखी। वीर उस गाय की आवाज सुनकर भागते हुए गया और वीर बोला, अरे ये क्या हो गया तुम्हें, तुम्हें अपने घर ले चलता हूँ और तुम्हारा इलाज करता हूँ। वहीं पर वो गाय ठीक होकर खड़ी हो जाती है, जैसे उसे कुछ हुआ ही ना हो, और वो बोलने लगती है और वीर से कहती है, ये एक परीक्षा थी, तुम इसमें पास हो गए, तुम जानवरों से प्यार करते हो, ये तुमने साबित कर दिया। मुझे पता है तुम्हारा बेटा बीमार है और तुम्हें पैसों की जरूरत है, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें एक जादुई पेड़ के पास ले जाती हूँ, उस पेड़ के ऊपर पैसे उगते हैं। ये सब राज सुन लेता है। अब ये गरीब इंसान अमीर बने, ना ना मैं ऐसे नहीं होने दूंगा, अभी कुछ हुंडों को साथ लेकर इनका पीछा करता हूँ, फिर इस वीर को बताता हूँ, बड़ा आया अमीर बनेगा। राज कुछ हुंडों के पास जाता है और उनको कहता है, ए मैं तुम सबको 1-1 लाख दूंगा, तुम्हें उस वीर को पकड़कर खूब पीटना है, अब मेरे पीछे आओ, जैसा जैसा मैं कहूं वैसा वैसा करना। राज उन गुंडों को लेकर जंगल में एक बड़े पत्थर के पीछे छुप जाता है और उन गुंडों को एक प्लान बताता है। वीर और गाय जंगल में पहुंच जाते हैं और उस मायावी पेड़ के पास पहुंचने ही वाले होते हैं तो उस बड़े पत्थर के पीछे से राज निकलता है। वो वीर के सामने खड़ा हो जाता है उन गुंडों को लेकर और कहता है, तुम्हें अमीर होने का बहुत शौक है ना, मुझसे ज्यादा अमीर होना चाहते हो तुम, अब मैं बताता हूँ तुम्हें अमीर कैसे होते हैं। तो वीर बोला, मुझे अमीर नहीं होना, मुझे बस अपने बेटे का इलाज करवाना है, वो बहुत बीमार है, उसके इलाज के लिए पैसों की ज़रूरत है, उसी के लिए ये जादुई गाय मेरी मदद कर रही है। राज ने वीर की एक ना सुनी और अपने गुंडों को बोला, अरे तुम ऐसे क्यों खड़े हो, मैंने तुम्हें ऐसे खड़े होने के लिए बुलाया है, जाओ मारो इसे। और वो गुंडे उसे मारने के लिए आगे बढ़ते हैं तो वो गाय अपनी शक्ति से गुंडों और राज को बकरियों में बदल देती है। ये देखकर वीर उस गाय से बोला, तुमने इन सबको बकरियां बना दिया, मुझे लगा था कि तुम सिर्फ बोल सकती हो, लेकिन तुम्हारे पास तो शक्तियां हैं। वो गाय बोली, मैं एक मायावी गाय हूँ, मेरे पास बहुत सी शक्तियां हैं, जिस जादुई पेड़ के पास हम जा रहे हैं वो सब पेड़ों का राजा है, वो पहले
तुम्हारी एक परीक्षा लेगा। अगर तुम उसमें पास हो गए तो वो तुम्हारी मदद करेगा। आओ मैं तुम्हें उस पेड़ के पास ले चलती हूँ। वो गाय और वीर उस पेड़ के पास पहुँच जाते हैं तो वो पेड़ बोलने लगता है, बताओ मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। मुझे मेरे बेटे के इलाज के लिए पैसों की जरूरत है, अगर आप मदद कर दें तो मेरा बेटा ठीक हो सकता है। तो पेड़ बोला, तुम मुझे पानी डालो, तुम जितना पानी डालोगे मेरे ऊपर उतने पैसे उगेंगे। वीर उस पेड़ में पानी डालता है तो उस पेड़ पर बहुत सारे पैसे उगते हैं। तो वीर उस पेड़ से सिर्फ उतने पैसे उठाता है जितने उसे बेटे के इलाज के लिए जरूरत होते हैं। ये देखकर वो पेड़ बोलता है, मेरे ऊपर तो बहुत सारे पैसे उगे थे, लेकिन तुमने इतने कम क्यों उतारे, तुम सारे भी तो उतार सकते थे। मुझे जितने जरूरत थे मैंने बस उतने ही उतारे। उसकी ईमानदारी देखकर पेड़ ने कहा, तुम एक बहुत ही ईमानदार और अच्छे इंसान हो, तुम मेरी परीक्षा में पास हो गए, अब ये सारे पैसे तुम्हारे हैं, तुम इन सारे पैसों को उतार के ले जा सकते हो। वीर पैसों को उतार कर चला गया। उसने अपने बेटे का इलाज करवाया और उसने उन पैसों से एक बड़ा सा घर भी बनवा लिया। मैजिकल डोर एंड गोल्डन बुल। अब कहाँ जाओगे बच के, एक खड़े खड़े क्या दिख रहे हो, जाओ मारो इस लड़के को। जैसे ही वो गुंडा उस लड़के को मारने के लिए आगे बढ़ता है, वहीं वो बैल चमकने लगता है और एक बहुत ही बड़े डायनासोर में बदल जाता है। कंगनपुर गांव में एक जादुई दरवाजा खुलता है और उसमें से एक सोने का बैल निकलता है। कुछ दूर जाते ही वो बैल एक साधारण बैल में बदल जाता है। उसी गांव में एक छोटा लड़का रहता है, उसका नाम गुड्डू। उसके माँ बाप बचपन में ही गुजर गए थे, तब से वो एक झोपड़ी में अकेला रहने लगता है। उस बैल को रास्ते में खड़े कुछ शैतान बच्चे पत्थर मार रहे होते हैं और वो बैल जोर जोर से आवाजें निकाल रहा होता है। वहीं पास में से गुड्डू गुजर रहा होता है। गुड्डू उसके पास पहुंचकर जोर जोर से आवाज लगाता है, कोई बचाओ इस बेचारे बैल को, ये लड़के पत्थर मार रहे हैं। गुड्डू की आवाज सुनकर लोग जमा हो जाते हैं और उन लोगों को देखकर वो शैतान बच्चे भाग जाते हैं और गुड्डू उस बैल से कहता है, अब तुम अपने घर जा सकते हो, वो शैतान बच्चे चले गए हैं। वहीं पर वो शैतान बदमाश लड़का छुपकर गुड्डू को देख रहा होता है और कहता है, अब ये लड़का हमसे बचकर दिखाए, इसे मैं मजा चखाता हूँ। गुड्डू जब जा रहा होता है तो वो बैल गुड्डू के पीछे आहिस्ता आहिस्ता से आ रहा होता है। जब गुड्डू मुड़कर पीछे देखता है तो वो बैल भी उसके पीछे आ रहा होता है। गुड्डू उस बैल को पीछे आते देखकर कहता है, तुम मेरे पीछे पीछे क्यों आ रहे हो, अपने घर जाओ ना, मेरे पास कुछ नहीं है तुम्हें खिलाने के लिए, अब जाओ अपने घर, मेरा पीछा मत करो। गुड्डू जैसे ही दोबारा से आगे चलने लगता है तो वो बैल उसके पीछे पीछे दोबारा आने लगता है। गुड्डू पीछे मुड़कर उसे कहता है, अच्छा आओ मेरे पीछे, लेकिन मेरे पास कुछ नहीं है तुम्हें देने को। यूं गुड्डू और वो बैल उसकी झोपड़ी की तरफ जाने लगते हैं तो वहीं पर दूसरी तरफ वो बदमाश लड़का कुछ गुंडों को जमा करके बोल रहा होता है, आज इस छोटे लड़के को सबक सिखाना होगा, अभी ये जैसे ही रास्ते से गुजरेगा इसे डंडे से मारना है, फिर इसे पता चलेगा कि इस लड़के ने किससे पंगा लिया है। जब गुड्डू और बैल उसी रास्ते की तरफ आ रहे होते हैं उन्हें ये नहीं पता होता कि आगे वो बदमाश खड़े हैं और इनका इंतजार कर रहे हैं। गुड्डू और बैल उस रास्ते पर पहुंच जाते हैं जहां वो बदमाश खड़े होते हैं। वो बदमाश लड़का गुड्डू को देख के कहता है, अब कहाँ जाओगे बच के, अब कोई नहीं आएगा तुम्हें बचाने के लिए। और वहीं खड़े एक गुंडे को कहता है, ए खड़े खड़े क्या दिख रहे हो, जाओ मारो इस लड़के को।
जैसे ही वो गुंडा उस लड़की को मारने के लिए आगे बढ़ता है, वहीं वो बैल चमकने लगता है और एक बहुत ही बड़े डायनासोर में बदल जाता है। उस डायनासोर को देखकर वो गुंडे डर कर भाग जाते हैं। वो देखकर गुड्डू कहता है, अरे वाह, ये तुमने कैसे किया? ये तो कमाल था, मुझे नहीं पता था तुम ऐसा भी कर सकते हो। वहीं वो बैल बोलने लग गया और वो बोला, मैं जादुई नगरी से आया हुआ एक जादुई बैल हूँ। मैं किसी भी जीव में बदल सकता हूँ और किसी भी मामूली चीज को सोने में बदल सकता हूँ। मैं एक जादुई दरवाजे से गलती से धरती लोक पहुँच गया और अब वो जादुई दरवाजा 10 साल बाद खुलेगा। फिर मैं वापस जादुई नगरी जाऊंगा और अब 10 साल मुझे यही रहना होगा। मैं तुम्हारे साथ रहूंगा अगर तुम चाहो तो। उसकी बात सुनकर गुड्डू बोला, हाँ तुम मेरे साथ रह सकते हो, मैं वैसे भी अकेला रहता हूँ, अब तुम मेरे पास रहोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। गुड्डू और वो जादुई बैल साथ रहने लग गए और उस जादुई बैल ने गुड्डू को बहुत अमीर बना दिया। गुड्डू साधारण पत्थर लेकर आता और वो बैल उसे सोने का बना देता और गुड्डू उन सोने के पत्थरों को बेचकर एक बहुत ही बड़ा घर बना लिया और वो बहुत अमीर हो गया। ऐसे ही 10 साल गुजर गए और उस जादुई बैल के जाने का वक्त आ गया। वो बैल उस जादुई दरवाजे से वापस अपनी जादुई नगरी पहुंच गया।